अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। तलाक हो चुका है हमारा, पेपर्स है मेरे पास। अगर ऐसा है तो लाकर दिखाइए। क्यों बेचारे अर्नब जी से इतनी मेहनत करवा रही, बता क्यों नहीं देती उन्हें कि वो तलाक के कागज नकली थे और तुमने उन्हें उसी वक्त गायब कर दिया था हमारे कहने पर। हमने वो कागज बदल दिए थे अर्नब जी, ये कागज नकली है। पवित्रा, पेपर्स कहाँ? इनफ मिस्टर अर्नब, ऐसे तमाशे हमने बहुत देखे हैं। ये आपकी पत्नी है और अब आपको इन्हें अपने साथ अपने घर में रखना होगा, और अगर आपने ऐसा नहीं किया तो आप पूरे परिवार के साथ जेल में शिफ्ट हो जाएंगे और ये हमारा प्रॉमिस है आपसे। बस हमको धमकी दे रही हैं आप, जानती भी हैं कहां खड़ी हैं, किससे बात कर रही हैं। चलिए सलवो, निकले निकलिए वरना। वरना आप हमें धमका रहे हैं मिस्टर पुरुषोत्तम शास्त्री, ऐसा मत कीजिए, बहुत पछताएंगे आप। महिलाओं पर जाति करने वालों के खिलाफ बहुत सख्त कानून है हमारे देश में। शास्त्री जी, अपना और तमाशा मत बनवाइए और अपनी बहू को सम्मान के साथ अंदर ले जाइए, समझ गए? ठीक है।
आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमें हमारे घर तक पहुंचाया। इसके आगे हम संभाल लेंगे। धन्यवाद। चलो सब लोग। अरे ये कहाँ चली गई? कोई रोको इका। ऐ पल्लवी कहाँ जा रही हो तुम? आई हाय आई माय। संभल कर। मम्मी जी आपका पैर मुड़ गया। बहुत दर्द हो रहा होगा ना? एक मिनट हम बांध देते हैं। लग गई। न्यूज़पेपर की कटिंग भी यहाँ है। मम्मी जी ये आपके बहुत काम की चीज है, आपको इसे पढ़ना चाहिए। ये लो। हम पढ़कर सुनाते हैं। इसमें लिखा है कि एक सास ने महिला कल्याण विभाग वालों के खिलाफ जाकर अपनी बहू को घर से बाहर निकालने की कोशिश की। और बहू ने क्या किया? सास को हथकड़ी लगवा दी। ये देखिए एकदम सेम से मैच हो रही है। हाय हाय बेचारी सास अब तक जेल में बंद है। मम्मी जी हम बहुत थक गए हैं, हमें थोड़ा आराम कर लेना चाहिए, बाद में चलते हैं। हाँ तुम्हें क्या लगता है? मुझे लगता है जबरदस्ती करके तुम कुछ हासिल कर पाओगी। तुम्हें इस घर में जगह तो मिल जाएगी, लेकिन अगर तुम्हें ये लगता है ना तुम हमारे दिलों में फिर से जगह बना पाओगी। बहुत गलत लगता है। अपने सारे रिश्तों को टुकरा के मुझे धोखा दे के गई थी तुम यहां से। कुछ भी ना कभी भी पहले जैसा नहीं हो सकता। तुम इस घर में रहना, शौक से रहो, लेकिन मैं तुम्हारी तरफ ना देखूंगा भी नहीं। मम्मी जी अब आप ही हमें बताइए, हम घर से बाहर जाएं या यही रहे? आपके साथ गलत हुआ है, लेकिन आपको गलत फहमी भी हुई है, और हम तब तक यहाँ से नहीं जाएंगे जब तक आपकी गलत फहमी दूर नहीं हो जाती। हम और हमारे भगवान दोनों जानते हैं कि जो कुछ भी हमारे साथ हुआ अगर उसके बावजूद हम आपके सामने खड़े हैं सिर्फ और सिर्फ आपके लिए।
मेरी सब्जी जल गई। ऐ बिटिया, ये सब्जी जलना जो है ये तो शुरुआत है, ही के बाद तुम्हारे सपने जलेंगे जो अभी तक पूरे नहीं हुए हैं, उके बाद तुम्हारे अरमान जलेंगे जो आधे अधूरे हैं, उके बाद जलेगा तुम्हारा घर जो अभी तक बसा नहीं है, और सबसे अंत में तुम जलोगी। अब देखिए सासू माँ ने मेरी कदर न जानी दंगल प्ले पर टीवी से पहले।